हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहोगे। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो हम परफेक्ट सोल्डरिंग कैसे करें और सोल्डरिंग कैसे करते हैं मजबूती से सोल्डरिंग का आज आपको। तो गाइस, किस किस में सोल्डरिंग करेंगे हम? पीसीबी में सोल्डरिंग करेंगे, एलईडी बल्ब में सोल्डरिंग करेंगे, और जो लिथियम आयन जो बैटरी होती है ये वाली, इसकी भी हम सोल्डरिंग करेंगे। बच्चा भी आराम से सोल्डरिंग कर सकता है ये इस वीडियो को देखकर। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर, इसको ऑन कर लेना, बिजली में लगा देना। इसे सोल्डर आयरन बोलते हैं, ठीक है? ये मार्केट में 60 से 70 रुपए के बीच में मिल जाएगा। और इसके साथ में ये 10 से 20 रुपए में पेस्ट होता है, ये मिल जाएगा आपको मार्केट में। इसे फ्लक्स भी बोलते हैं और पेस्ट भी बोलते हैं बहुत बड़े। और इसे सोल्डरिंग वायर बोलते हैं, ये 60 से 70 रुपए के बीच में ये भी मिल जाएगा। और इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, भारतीय कंपनी की लेना, मेरी भी भारतीय कंपनी की सोल्डर वायर है। भाई, सबसे पहले ये एलईडी बल्ब है, इसकी सोल्डरिंग देख लेते हैं किस तरह होती है। तो हमने क्या करना है कि इसका ये निकाल लेना है पहले, देख सकते हैं आप, मैंने निकाल लिया। और इसमें ये एलुमिनियम की तार दी होती है, इसमें हल्का सा आपने पेस्ट लगा लेना जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करके। आप देख सकते हो, आपने इनमें पेस्ट लगा लेना वायर में, चाहे वायर में लगा लो चाहे सोल्डर वायर में लगा लो, बात एक है। फिर आपने घिस लेना इसको, इस तरह से घिस लेना। मैं घिस लेता हूँ इसे फटाफट से, चाहे आप इससे घिस लो चाहे आप फाइल से घिस लो और रेती से घिस लो। तो हमने क्या करना है, ये सोल्डर वायर है हमारे पास और ये सोल्डरिंग आयरन है। तो हमने इसको और इसको तार के बीच में हमने इस तरह से रखना है और हमने सोल्डरिंग कर देना है। इसमें हमने सोल्डर लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पकड़े। इसके बीच में हमने ये डाल देना है, इसकी लाइट है, लाइट में हमने हल्का सा आपने पेस्ट लेना है, सोल्डर वायर में हल्का पेस्ट लगा लेना है और इस तरह से सोल्डरिंग करके देखनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से सोल्डर हो रहा है। तो इसको हम लगा लेते हैं फटाफट। गाइज, आप सोल्डरिंग करो तो बहुत अच्छी तरीके से सोल्डर, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से सोल्डर हुई है। आप देख लो ध्यान, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं सोल्डर अच्छे तरीके से, तो मैं आज आपको करके दिखाऊंगा सोल्डर। इसको हमने छील लेना, सबसे पहले छीलने के बाद वायर में हल्का सा पेस्ट लगा लेना। सबसे आसान तरीका बताऊँगा, कोई इसमें क्या नाम है टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निकल बंदा ही कर सकता है इसे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमने जैसे यहाँ पर हमने सोल्डर करना है, तो इसे क्या करना है, हमने यहाँ पर हल्का सा पेस्ट भी लगा सकते हो। देखो, हल्का सा इस तरह सा पेस्ट लो, पेस्ट लगा लो उस साइड जहाँ पर आपने लगाना, पेस्ट ज़रूर लगाना। पेस्ट से क्या होती है, पक्के टांके लगता है, ज़्यादा गुणवत्ता से टांके लगते हैं। तो इसको हम फटाफट से हल्का सा हम सोल्डर वायर लेंगे क्योंकि सोल्डर वायर ख़त्म है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हुई है, आप देख सकते हैं कितनी पक्की तरीके से हुई है। मैं आपको हिलाकर भी दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हुई है, बेहतरीन तरीके से हुई है, आप देख सकते हो। इसी तरह आपने भी सोल्डरिंग करनी है। और सबसे ख़ास जो हमारा जो टॉपिक था वो लिथियम आयन सेल के बारे में था। इसमें बहुत से लोग सोल्डर नहीं कर पाते हैं, तो क्या नाम है, हर किसी को नहीं पता होता, तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने इसको रगड़ लेना है हल्का सा, थोड़ा चमकने लगे इसीलिए।
सॉरी। तो हमने फिर से इसमें हल्का हमने इसमें पेस्ट लगा लेना है, आप देख सकते हो हमने इसमें इस तरह से पेस्ट लगा लेना है जहाँ पर आपने इसको घिसा है, आप देख सकते हो। ये देखिए तो इसको हमने शोल्डर वायर हल्का सा लगा लेना, तो गाइस आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से सोल्डरिंग हो रही है बैटरी में। इसको से हम सोल्डरिंग कर लेंगे फटाफट। तो आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से सोल्डरिंग हुई है। इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक फॉर वॉचिंग।